बाबा के आशीर्वाद से कोख हरी भरी हो जाती है, यानी जिन्हें बच्चा पैदा नहीं होते, बाबा एक आशीर्वाद देगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। बाबा के आशीर्वाद से लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा आपके घर में, यानी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। बाबा के आशीर्वाद देने से ही नौकरी भी मिल जाएगी, और अगर बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो मनवांछित फल मिलेगा और उसी प्रकार के वर मिल जाएंगे, ऐसा बाबा में लोगों का विश्वास था। उधर अगल बगल अलीगढ़ के अगल बगल सहित राजस्थान, हरियाणा और कुछ अन्य भूभाग में बाबा का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। वही सूरजपाल जो प्रधान आरक्षी था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसके ऊपर यौन अपराध सहित 5 गंभीर अपराध राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, सूरजपाल से बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, बाबा का आश्रम एक स्थान पर नहीं कई स्थानों पर है, बाबा को पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसके साथ सेवादारों की लंबी फौज रहती है, 4-4 घंटे सेवादारों की ड्यूटी लगती है और लग्जरी कारों के काफिले में चलता है बाबा। बाबा चश्मा लगाता है, अब पहनावे से कोई मतलब नहीं है, अगर प्रभु किसी को आशीर्वाद दें और इस तरह की शक्ति आ जाए तो पहनावा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बाबा काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, बाबा सफ़ेद वस्त्र पहनता है, सूट बूट टाई भी लगाता है, महिलाओं की ड्यूटी लगती है और 12,000 सेवादार बताए जाते हैं आश्रम में। बाबा एक काम और करता है, बाबा के वजह से लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, बाबा के वजह से जुए के अड्डे समाप्त हो गए, बाबा के वजह से कुछ शराब की दुकानें भी बंद हो गईं, बिक्री बहुत कम हो गई, लेकिन बाबा का सगा भाई चुनाव लड़ा था ग्राम प्रधान का, ऐसा बताया जाता है, उसे गांव में ही एक अल्पसंख्यक महिला ने चुनाव हरा दिया। उस दिन यानी 2 जुलाई को 40 पुलिसकर्मी तैनात थे, 2.5 लाख की भीड़ और 40 पुलिसकर्मी। अब बाबा के सेवादार हैं, बाबा के लोग अपने संभाल लेते हैं, और हर बाबाओं के सेवादार हैं, हर बाबाओं के उस तरह के कि सैन्य सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा बना लिया है घेरा तोड़ करके। यह देखिए ना, जो रामायणी लोग हैं, जो मानस का प्रवचन करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं, उनके भी सेवादार हैं। आप अगल बगल उन्हीं का कैमरा उनको कैच करेगा, क्योंकि उनका चैनल है, उस चैनल पर वो डालेंगे। योगी आदित्यनाथ पहुँचे, उन्होंने घायलों का दुख दर्द जाना और जो दिवंगत हो गए उनके लिए 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा किया, यानी हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, संविधान का अनुच्छेद 21 जो सभी को सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार देता है, उस अधिकार की रक्षा हम नहीं कर पाए, इसलिए 2-2 लाख मुआवजा हम दे रहे हैं। DSP ने बाबा को निकाला बाहर, यह भी एक बात है। खास बात यह है कि सरकार बाबा पर इतनी मेहरबान है कि अभी तक जो अपराध दर्ज हुआ है विभिन्न धाराओं में, BNS की धाराओं में, यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत, उसमें बाबा का नाम नहीं है। बाबा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हम तो पहले ही निकल गए थे, साजिश के तौर पर ऐसा किया गया है, और यही राग अलाप रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। वह कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी कोई रणनीति हो सकती है। 3 प्रकार की जाँचें, एक जाँच तो वहाँ के कमिश्नर और अपर पुलिस महानिदेशक 2 लोग कर रहे हैं, एक जांच न्यायिक सेवा की जांच करा रहे हैं, न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज से करा रहे हैं, और एक जांच और SIT की जा रही है, यानी 3 तरह की जांच होती रहेगी। 9 मन चले 2.5 कोस, इस तरह से जांच का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाबा को चमत्कार से जोड़ करके देखा जाता रहा, जिसको आशीर्वाद दे दिया कोखरी भरी हो गई, जिसको आशीर्वाद दे दिया नौकरी मिल गई, किसी का धन गायब हो गया, बाबा की एक आशीर्वाद से चमत्कार हुआ और धन वापस आ गया। लेकिन बाबा का नाम नहीं है, ऊंची ऊंची दीवारें और बंकर बनाए गए हैं चारों तरफ, यानी बाबा का अभेद्य किला, ऐसा दुर्ग जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। बाबा अभी भी सुरक्षित है, बाबा कहाँ है? कुछ लोगों का कहना है कि बाबा को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है समय आने पर, लेकिन बाबा की गाड़ी तो पलटेगी नहीं पलटनी है, बाबा के पैर में गोली भी नहीं लगेगी, बाबा पुलिस पर फायर भी नहीं झोंकेगा,
ऐसा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि बाबा वोट बैंक का धारक है। तमाम बाबाओं के यहाँ राजनेता जाते हैं, इस बाबा के पास भी तमाम नेता गए हैं, पक्ष विपक्ष सब गए हैं, इसीलिए खामोश हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बोलेगा तो उस जातीय आधार से जुड़े जो लोग हैं वह नाराज होंगे, इनका वोट बैंक खिसकेगा, इसलिए बाबा के इस कुकृत्य पर कोई बोल नहीं रहा है। अब बताइए, अब अगर आप घर बनवा रहे हैं, कोई ऐसा काम करवा रहे हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी अगर आप डलवा रहे हैं, कोई भी आपका काम हो रहा है इस तरह का जो श्रम शक्ति पर आधारित है, यदि टूट गया आपका घर, बारजा गिर गया, छत गिर गया, अगर मजदूर दबता है, घायल होता है, तो अपराध आप पर दर्ज होगा, जबकि आपका कोई कसूर नहीं है। उस मजदूर और मिस्त्री ने ही बनवाया, गुणवत्ता आपने बालू दे दिया, आपने सीमेंट दे दिया, आपने अन्य सब कुछ दे दिया, बनाना उसको है, अपनी मर्जी से बनाएगा और गुणवत्ता की गारंटी वह लेगा कि कैसे हम बना रहे हैं, भैया गिर गया तो हमारा क्या दोष है, हम इलाज करवा रहे हैं, हम और भी, लेकिन जान बचेगा नहीं आपका। तो अगर बाबा ने आयोजन किया था इस तरह का, बाबा उस आयोजन में पहुँचे थे और बाबा के चरणों की धूल के लिए इस तरह से, अब बाबा के बचाव में एपी सिंह जैसे अधिवक्ता भी आ गए हैं, समय समय पर एपी सिंह साहब आते रहते हैं, उन्होंने बाबा की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बाबा जैसी सज्जन शक्ति बहुत कम लोग हैं, बाबा का उसमें कोई अपराध नहीं है, और सरकार इसकी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और बाबा जी ही क्यों, कल के वीडियो में हमने किया, बड़े बाबा क्यों नहीं, बड़का बाबा क्यों नहीं, छोटका बाबा क्यों नहीं, बबुआ जी क्यों नहीं, बहन जी क्यों नहीं, दीदी जी क्यों नहीं, यह सब उसी के एक ही चट्टे के बट्टे हैं। कोई धर्म का बाबा है तो कोई राजनीति का बाबा है, कोई स्वभाव से दादा है तो कोई कर्म से दादा है, और सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं। गर्मी में चुनाव में रैलियां करा कर के कितने लोगों की जान मार दिया, पता है आपको क्या किसी को मुआवजा उवजा मिला है, क्या किसी के आंसू पोंछने के लिए लोग गए हैं, नहीं जाएंगे। खेल चला दोनों तरफ से, सदन में आरोप प्रत्यारोप चले, साहब ने खूब नौटंकी किया, जितनी करना चाहिए था खूब किया, कई पीढ़ियों तक ये लोग नौटंकी करेंगे और साथ में ही बैठ कर के खाना पीना खाएंगे, तो आपने उस नौटंकी को भी देखा। और आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, BNS की धाराएं 105, 110, 126 दो और 223, 338 के तहत, यानी गैर इरादतन हत्या का अपराध। लेकिन अब भक्त लोग कहेंगे, भक्त शुरू कर देंगे, कहेंगे साहब जो लोग भी उसमें उस धर्म के काम में गए थे, दिवंगत हुए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देंगे और सबकी मुक्ति बन जाएगी। कुछ लोग आएंगे उनका, फिर वह बनाएंगे स्टैचू बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे, कुछ को दफनाएंगे और कहेंगे कि यह धन्य है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, ऐसे बाबाओं से सावधान, चाहे वह धर्म के बाबा हों, चाहे राजनीति के बाबा हों, ऐसे बाबा और ऐसे बाबाओं का आचरण किसी भी प्रकार सुखद नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा सवाल कि ऐसे बाबाओं के चंगुल में गरीब आदमी ही क्यों फंसता है, क्यों गरीब आदमी उस मछली जैसा शिकार हो जाता है कि यह लोग कटिया लगाते हैं, कटिया में आटा गूंथते हैं और उस कटिया में केचुआ लगाते हैं, ऐसे गूंथ करके और मछलियां फंस जाती हैं, ऐसी मछलियां कौन हैं और ऐसे कटिया लगाने वाले बाबा कौन हैं, चाहे वह धार्मिक बाबा हो, चाहे राजनीति के बाबा हो, ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो समय समय पर यह आपका जान मारेंगे ही, यह मौत के सौदागर हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें, ऐसे मौत के सौदागरों से सावधान।